सागर हम की जहां गुरुन के चरण है सो वही हमारो शीश गुरमूरत मुख चंद्रमा और सेवक नैन चकोर आष्ट पहर निरखति रहूं सो गुरु चरणों की ओर। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों वो प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहने यूकी कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष ये खूनी चुनरिया का प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए गौर से सुनिए, दर्दनायक कहानी है, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। अरे एक सुनो कहानी लड़की की, मैं तुमको आज बताता हूँ। एक सुनो कहानी लड़की की, मैं तुमको आज सुनाता हूँ। यूपी के सिटी के द्वारा देख में गाय कर तुम्हें सुनाता हूँ। ए राजनगर की थी श्यामा और अब उमर की थी बारी और मैया बाप स्वर्ग गए तब भी पता क्या ईश्वर दारी। मेरे प्रिय श्रोता हो, मेरे भगवत प्रेमियों, राजनगर की कहानी है। रामा नाम की एक लड़की थी और उसका एक भाई था बंधु, जो कि माँ बाप उसके बचपन में ही छोड़ करके खत्म हो गए थे। भाई श्यामा से बड़ा था और हुआ क्या है, एक जेठा भाई बिटिया का, अरे उसको अकेला था भाई। एक प्यारा था जेठा था, बिटिया के सरफू अकेला था। हो गए अनाथ भाई बहन दोनों ने दुख अति झेला था। सात समय गुजर रहा था दोनों का, भाई बहन बड़े ही प्रेम कियो करती आपस में, भैया बड़ा था और बहन छोटी थी। कोई धीरे धरैया था नाई, खाने तक का भी लाला था। मजदूरी रात देना करके भैया ने बहन को पाला था। इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोता उस गरीब परिवार में उन दोनों बच्चों का पालन हो रहा था। माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, कोई नहीं रहा। धीरे धीरे समय गुजरा है तो मेरे प्रिय श्रोता हो, भैया का विवाह हो गया था और बहू घर में विवाह के लेके आया था। तो आज अपने भैया भाभी बड़ा स्नेह कियो करती थी। मेरे बंधुओं, धीरे धीरे क्या होता है कि श्यामा की शादी एक नजदीकी गांव में एक गरीब परिवार में कर दिया था बंधुओं विवाह। इधर में बिटिया को धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो एक साल बीत जाती है, वो पियर में लौट करके अपने भाई और भाभी से मिलने के लिए नहीं आई थी। इधर सावन का महीना आ जाता है बंधु, रक्षाबंधन आने को था। तो एक दिन श्यामा बड़ी व्याकुल थी और कहने लगी अपनी सास से,
अरे मेरी सासु आज्ञा जो त्यारी पाऊं वीरन से मिलके आऊं यादी सतावे भाभी भ्रात की मेरी मैया मेरी सासु आज्ञा जो त्यारी पाऊं भैया से मिलके आऊं राखी बंधा के आऊं यादी सतावे भाभी भ्रात की। ए मैया एक साल मोकू होने को आगे मैं अपने भैया भाभी के पास नहीं गई हूँ। सावन का महीना कितना सुहावना और भाई बहन का मिलन होता है। मैया मोकू आगे दे दो। एक साल गई बीत सासु भैया से मिलना पाई एक साल गई बीत सासु भैया से मिलना पाई याद आए रही है पियर की मन में रोव गुलाई सासु वापस दस दिन में आऊं वीरन से गले मिल आऊं यादी सतावे भाभी भ्रात की मेरी सासु मेरे प्रिय श्रोता हो। इस प्रकार से आज श्याम अपनी सास से अर्ज कर रही है लेकिन बंदो वहां भी बहुत गरीबी थी। एक पास में अधेला पास नहीं था। ए धर्मी इतने जो वचन सुने हैं तो सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में विचार करने लगी कि बहू यदि पियर को जाएगी तो या के लिए खर्चा चाहिए। आज श्यामा कहने लगी अरे मैया तुम बोलती क्यों नहीं हो आज्ञा दे दो ना। तो एकदम से आज श्यामा को बाहों में भर लिया है सास और कहने लगी है बेटा अरे सुनी बहू की सास आहा अरे सुनी बहू की बात सासु अखियां ने भर लाई पानी ए सुनी बहू की बात सासु अखियां ने भर लाई पानी ओ राखी गुल नहीं पैसा पास ने बेदना कैसी ठानी राखी गुल नहीं दहलाए कहू बेदना कैसी ठानी बहुअर कैसे मैं तोय पठाऊं शरमन से मर मर जाऊं कहने लगी है कि हे बहू क्या करूं मैं भी मजबूर हूं मेरे पास एक पैसा ना है कोई मैं खर्चा के ले दऊं क्योंकि वहां जागी तो तुमको खर्चा जरूर चाहिए। आज मेरे प्रिय श्रोता हो इतने जो शब्द सुने हैं तो सास की हालत को देख करके श्यामा कहने लगी हे माँ क्या मात गई मुझे छोड़े सास जब उम्र थी मेरी 16 की मात गई मुझे छोड़े सास देखी उम्र थी मेरी 16 की चूड़ी मेरे पास एक है सच कहूं सोने की सास आज्ञा में त्यारी पाऊं भैया से मिल भी जाऊं यादी सतावे भाभी भ्रात की। आज बंदो इस प्रकार से श्यामा ने कहा कि अरे मैया मेरे पास एक सोने की चूड़ी है या चूड़ी को बिकवा दे और राखी मोकू ला दे मैं वह लेकर के अपने भैया के पास जाऊंगी। तो आज मेरे प्रिय श्रोता हो
इस प्रकार से आज उसकी सास ने उस चूड़ी को बेच करके और राखी ला करके हाथ में दे दी कि ले बहू तू जा अपने भैया भाभी के राखी बांध के आ। आज बंधु श्यामा वहां से जो चल देती है तो देखिए क्या होता है। के राखी लेके पीहर चल दई रे श्यामा, चल दई रे श्यामा, जाको जियरा ले तू ही लोर दी। अशुगुन होते हैं और क्या होता है बंधु कि आगे जो निगाह पसार के देखा है श्यामा ने तो के वृक्ष पर सूखी लकड़ी थी बंधु, उस पे कागा बैठा है और सूखी लकड़ी पे कागा को बैठा देखे तो उससे बड़ा अशुगुन कोई नहीं होता है। उस कागा को देखकर के बंधु आज कहने लगी है कि हे विधाता ये क्या होना है, मेरी कोई समझ में नहीं आता है। के कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मास, कागा सब तन खाइयो अरे दोने ना मत खाइयो बिरन मिलन किया से, आज बंदो इस प्रकार से श्यामा कहने लगी अरे भैया कागा ये क्या होनी है, मेरी तो कोई समझ में नहीं आता ही विधाता। आगे बढ़ी है बंधु एकदम से श्यामा को छींक हुई है, अब कहने लगी है करतार मुझे तो कुछ दाल में काला मालूम पड़ता है। जने कहा रची करतार लली के मन में चिंता छाई है, जने कहा रची करतार बहन के दिल में चिंता छाई है। अशगुन छीक भैया पुरारी,
सन्मुख छींक भई रे अपुड़ारी। अरे आगे आई विधवा नारी, अरे इतने रोबे स्वानी अगारी। और क्या भैया, इत बिशियर को है देख लली के, इत बिशियर को जब देख लली के, मन में चिंता छाई है जन कहा रती करता र बहन के, दिल में चिंता छाई है। आज बंदो चिंता में डूब जाती है वो श्यामा बहन, धीरे धीरे आगे बढ़ी अपने पियर की गैल में चली जा रही है। और क्या देखती है और सोचने लगी है, अरे प्रभु की लीला जाए न जानी, हाँ प्रभु की लीला नहीं पहचानी, हारे ऋषि मुनि और ज्ञानी, अरे हारे ऋषि मुनि और ज्ञानी, अब श्यामा मन में यति घबरानी, अरे आगे आए है अब आगे बढ़ो न जाई डगर में, अरे आगे बढ़ो न जाई डगर में, बिशर जाके आई है। दिल में चिंता छाई है, आज मेरे प्रिय श्रोता है इस प्रकार से श्यामा अपने मन में दुखित होती है, प्रभु से प्रार्थना करती है और क्या बोली है, अरे तू ही जा दुनिया को माली, तू ही आ दुनिया को माली, अरे तू ही करता है रे रखवाली, हाँ तू ही करता है रखवाली, अब तेरे बस में डाली डाली, तेरी लीला या परंपार जान नहीं जाती है, सब ताई है डर कहा रखी कर तार लगी के, दिल में चिंता छाई है। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से वो श्यामा प्रभु से प्रार्थना करती हुई और अपने पियर पहुंच जाती है, तो क्या होता है बंधु, अरे श्यामा पहुंची गई भैया घर, यकी दिल में चिंता छाई रे, श्यामा पहुंच गई भैया घर, जाके दिल में चिंता छाई रे, अब भर के जेट मिली भैया से, देख मन की तपन बुझाई रे। हाँ भैया, आज भैया मुझसे भुजा पसार के मिल ले, तो आज बंधु भट करके भैया ने जेट भर ली अपनी बहन की। और क्या होता भैया, अरे याद भूल गई सगुन की, गाय भावज से बतराई री, अरे याद भूल गई सगुन की, गाय भावज से बतराई री, अब घर को नवा के लोग मिले जब लली बहुत हरसाई री, you
में पहुंच करके दुख सुख की भैया अपनी कही उनकी सुनी, हाय हाय बड़े ही प्रसन्न है। लेकिन धीरे आज क्या होता है मेरे बंधुओं, अरे कछु दिन आ गए बीत परब एक मेला को गवाईरी, एक कछु दिन आ गए बीत परब एक मेला को गवाईरी, अरे श्यामा के ढिंग आए सखी हस हस के यूं बतराईरी, श्यामा दरवाजे पे बैठी है, आज गुमसुम लड़की नहीं बैठी है तो इधर में बाकी सखी आई, हाय वैसे तो सखी को देख करके हसती जेट भरती, लेकिन बाद में चुपचाप बैठी वो सोच में डूब रही, क्योंकि उसको अस्कुन हुए तो वो ध्यान आ गया था। तो एक सखी आगे बढ़ी और जेट भर ली बहना की और कहने लगी है क्या, अरे कैसे बदन मलिन बहन तुम्हा हमको देव बतलाई री, अब तीजन को त्योहार परब मेला को गयो है आईरी, ए आज इस प्रकार से कहने लगी एक सखी ओरी बहना श्यामा, काय को तू आज गुमसुम बैठी है, तू अपने मन की हमसे कहे और हमारी सुन, चले देखिए तीजन को त्योहार है मेला जो रहेगो बा मेला देखने जा। आज मेरे बंधु श्यामा कहने लगी, अरे बहन मेरे पास एक पैसा ना है और देख वस्त्र मेरे महले कुचले हैं, ये गरीब ताई बहन काऊ न दे भगवान, इसलिए मेरो काऊ मेला के लें और तमाशे को मेरो मन ना हो गए, इसलिए बहन मैं चुप बैठी हूँ। एक सखी बोली, अरे छोड़े न बातन ने, अरे हिल मिल मनामी सखी आयो तीजन को त्योहारी, बहन श्यामा देखिए समय गुमसुम को ना, ये तो खुशी को समय हुआ करे, चलिया अरे हिल मिल मनामी ये सखी आयो तीजन को त्योहारी, सावन एक बरस में आवे, सावन एक बरस में आवे, भाई बहन को प्यार बढ़ावे, ए भाई बहन को प्यार बढ़ावे, अब रीत निभामी ये सखी को बैठी मन कुमारी, मनामी ये सखीरी आयो तीजन को त्योहारी, अरे बहन साल भर के बाद में ये रक्षाबंधन आवे और भाई बहन को हाय सबको मन उत्सावे और देख भाई बहन को मिलन होवे, बहन अब तू गुमसुम न बैठ खुशी में आ जा, चले हमारे संग और क्या, देखिए आज मेला लगेगा बहन वह मेला को देख के चलेंगे और तीजन को त्योहारे हंसी खुशी से मनाएंगे। श्यामा बोली, बहन मैं कैसे जाऊं, मेरे पास एक पैसा ना है और ये कपड़ों मेरे फटे पुराने हैं। तो एकदम दूसरी सखी बोली, काय को पागल है रही है री, सुने अरे भाभी की ले ले चटक चुनरिया, भाभी की ले ले श्यामा चटक चुनरिया, हाथ की ले ले एक मुनरिया, अरे हाँ
जब सखी ज्यादा ज्यादा जिद पड़ जाती है तो आज श्यामा सखियों की बात मान करके और पहुंच गई अपनी भाभी के पास। हाय हाय, बोले भाभी, और भाभी, बोले क्या बात है ननद, बताओ क्या कहना चाहती हो? के सुनो, अरे बाबा जी मेरी सच बताऊं, अरे के भाभी में तो सच बताऊं, जाऊं सखनी के में तो संग है, अरे भाभी मेरी सखियां मेरे पीछे जिद पड़ी भई है के चल मेला देखिया हूं, तो आज बंदो कहने लगी है कि बाबा जी मुझे कमी है, ओड़ी में कूदे दे भाभी लाल चुनरिया, ओड़ी में कूदे दे भाभी लाल चुनरिया, हाथ कूदे दे एक मुदरिया, हाथ कूदे दे भाभी एक मुदरिया, अरे लौट में शाम कुआं हूं, अरे आज बंदो इस प्रकार से जिद पड़ जाती अपने भाभी की, तो देखिए बंदो वो भाभी निर्दयी आज कहने लगी अपनी नंद से, क्या बोली है कि सुनो, जा चुनर की कीमत भारी, जा चुनर की कीमत भारी, ध्यान लगाए के सुनो ननदी, ए ध्यान लगा के सुनी ननदी हमारी, अरे साफ में तो बतलाऊं, जाऊं सखनी के भाभी सके, और क्या बोली के सुनो, या में शर्त होगी तब तो मैं दे सकती हूँ, तो कहा अरे भैया तेरे पे वचन भरवाऊं, दाग लगो तेरे खून रंगवाऊं, सुनती हो, दाग लगो तेरे खून रंगवाऊं, अरे वचन में तीन भरवाऊं, ये वचन में तीन भरवाऊं, जाऊं सखनी के में तो संग है, अरे भवज में तो समझ जाऊं, जाऊं सखनी के में तो संग है, तो आज मेरे प्रिय श्रोता हो इस प्रकार से श्यामा अपनी भवत से जिद पड़ जाती है, तो आज उसकी भाभी आहा अपने प्रीतम प्यारे को अपने पास में बुला लेती है और कह देती है कि देखो ना तुम्हारी बहन सुंदर के लिए जिद पड़ रही हैं और हमारी तुम्हारी ये शर्त है, यदि मेरी चूंदर में जरा भी दाग लग गया तो समझ लो तुम्हें खून से रंगना होगा। आज हंसकर के प्रीतम प्यारा कह देता है कोई बात नहीं, दे दो हमारी बहन है, दाग लग जाओगे तो छुड़वा दे, लेकिन बंधु आज तीन वचन भर देती हैं।
आज अपने वचन भरवा के जब पार्क हो जाती है तो चूंदर को दे देती है बंधुओं। तो देखिए आज अपनी सखिन में जाकर के श्यामा हाय हाय फांसी फूली फिर रही है भैया, कभी बातें मिले कभी जाते मिले, लेकिन हुआ क्या है, अरे सरदार के चुंदरिया गई है श्यामा आई मेला देखने, सरदार के चुंदरिया गई है श्यामा आई मेला देखने, आज मेरे प्रिय श्रोता हो अपनी सखिन के संग में श्यामा व चुनर ओढ़ के और घूम रही है मेला देख रही है, लेकिन वह लली को होश कहां और क्या होता है बंधु, अरे तीजन को है मेला भारी, अरे तीजन को है मेला भारी, गीत मल्हारे गाओ प्यारी, गीत मल्हारे गाओ प्यारी, और क्या श्यामा नाचे नचावे मतिया घबराओ मेला देखने, श्यामा नाचे नचावे मतिया घबराओ मेला देखने, देखते ही और क्या कमाल हुआ है, ध्यान दीजिए, श्यामा ऊपर विपत्ति गुजारी, श्यामा ऊपर विपत्ति गुजारी, अब चील उड़ी जाने चुनर बिगारी, मेरे बंधुओं होनी बड़ी बलवान होती है जानी नहीं जाती, आज वो बिटिया चुनर को ओढ़ के घूम रही है मेला में, लेकिन उसी समय एक चील उड़ करके आती है और ऊपर से कोई ऐसी वस्तु डाल दी जिससे उस चुनरी में दाग लग गया है, आज वो चुनरी में दाग लगो देखो एकदम से भैया व्याकुल हो गई, उड़ी और चुनर बिगारी, और क्या श्यामा मन में गई घबराए श्यामा, अरे श्यामा मन में गई घबराए, अरे श्यामा गई है बहुत घबराए मेला देखने, श्यामा ने जो दाग को देखा है तो दाग देखते ही आज एकदम से व्याकुल हो जाती है और कहने लगी यही विधाता इसमें दाग लग गया, जो सोचा नहीं था वही हो गया, अब मैं क्या करूं, अरे दाग देखी जब चूनर में हर श्यामा मल में गई घबराए, दाग देख के जब तू नर मेरे श्यामा मन में गई घबराए, अरे विधाता कह तू मेरे हृदय सगुन साची पड़त लगाए,
एकदम से ध्यान में आ गई, बोली विधाता, इसीलिए मुझे अशगुन हो रहे थे, आज मेरी भाभी मुझे मरवा देगी, उस सुंदर को खून से रंगवाएगी, क्या करूं। अरे मन सोते यार वो पछता वे विदना का हालती करता, अरे छोड़ो साथो सब सखियन कुंभो तालाब पे पहुंची जाए, आज बंधुओ सखियन को साथ छोड़ करके तालाब पे पहुंच जाती है, और क्या करती है बंधु, अब रो रो चूनर तो हो ही रही है, अरे काविद धब्बा छूटत ना, चूनर देख देख के श्यामा मन में बहुत रही पछताए, भाभी ने कहा था कि यदि चूनर में दाग लग गया तो इसे खून से रंगना पड़ेगा, मेरे भाई ने वचन भर लिए, बहन ये दाग छूट ना रहे, दाग बहुत बुरा लग गया, अब क्या होगा, संग सहेली कहने लगी, अब श्यामा को मेरे समझ आए, अरे काय को पहना पागल है गई, हमको दियो तू समझ आए, ए धीरज बांधो तिलक पनी में, अरे भाभी कछु कहेगी ना, भैया पकड़ के देखी भैया जिन, और सखिया घर को लई दीवार, सखियां समझा बुझा करके श्यामा को साथ में ले जाती हैं, और अपनी भाभी के पास जब श्यामा पहुंची है तो आंखों में आंसू थे, आज बंधुओं इस प्रकार से जो देखा है, बोले क्यों रो रही हो, क्या बात है, बोले भाभी आपने जो कहा था वही सत्य हो गया, क्योंकि इसमें दाग लग गया है, और मैंने यज्ञ बहुत धोयो लेकिन ये छूटो ना है, आज बंधुओं एकदम से ललकार के वो अभागिन कहने लगी है कि बुलाओ अपने भैया को, क्योंकि मैं तो वचन भरवा चुकी हूं आपसे, और वो उनका उन वचनों का पालन करेंगे तो पूरा करना होगा, आज बंधु अपने भैया को पास में बुला लो, और वो अभागिन भाभी आज कहने लगी अपने प्रीतम प्यारे से, क्या पति अपने से कह रही, अरे मेरी चूनरी देऊ रंगाई, पहले तो हम कह दई, अरे दाग न कहीं लग जाए, आंख खोल के देख लो मेरी चूनरे दाग लगाई, अरे मैंने चूनरी जब दई सो कॉल लयो करवाई, निज बहना के खून से, ए निज बहना के खून से मेरी चूनरे दो रंग बाई, अरे कठिन हमारी तुम करो सो पूरा कॉली
अब तुमको ये मेरा कहा पूरा करना होगा, यदि मेरा कहा न तुम करोगे तो समझ लो मैं मर जाऊंगी, मैं आपको जिंदा नहीं मिलूंगी। तो आज मेरे प्रिय श्रोता चक्कर में पड़ गया, आज उस भमर जाल में फंसा हुआ है। बोले खैर कोई बात नहीं, दाग लग गया है तो हम इसको छोड़वा देंगे। बोले नहीं, दाग छोड़ने की बात नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है अपने बहन के खून में इस सुंदर को रंगना होगा, या तो मेरी शर्त पूरी करो अन्यथा मैं अपने प्राणों को भी त्याग। तो बंधु आज पूरा त्रिया जाल उसने बिछा दिया है और वो पापी नीच हत्यारा आज अपनी स्त्री की बात मान करके बातें बना के कहने लगा है, बहन चलो आज हम तुमको सहल करा के लेके आते हैं। तो आज बंधु श्यामा कहने लगी, भैया मेरा तो कोई मन नहीं लग रहा है, कहाँ ले चलोगे? बोले चलो कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, हम खुद ने बट लेंगे। लेकिन बंधु आज श्यामा अपने भैया के साथ में चली है घूमने के लिए, लेकिन वो हत्यारा पापी नीच घुमाने कहाँ ले जा रहा था, वो तो कत्ल करने ले जा रहा था अपनी बहन को। जंगल की ओर निकल पड़े हैं। इधर बहन कहने लगी, भैया भाभी ने जो आपको वचन दिया है उसका क्या होगा? अरे सुन बहन, अरे मत घबरावे बहन, मान ले, अरे चूंदरे को धब्बा, अरे बहन, अरे मत घबरावे बहन, मान ले, चूंदर को धुलवा देंगे, तेरी भावज को समझा देंगे। आज वो पापी जंगल के बीच अपनी बहन श्यामा को ले जाता है और इस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बहन को समझा रहा, बहन व्याकुल है रही। लेकिन बंधुओं क्या कहने लगा है, मेरी बात मान ले ओ बहना, मेरी बात मान ले ओ बहना, तेरे भैया को है ये कहना, तेरे पीरन को है ये कहना, अरे बोत नगर में है धोबी का, धोबी से धुलवा देंगे तेरी भावज को समझा देंगे। ए मत घबरा भी बहन, देखिया चुनरिये धुलवा देंगे तेरी भावज को समझा देंगी। समझा रहा है लेकिन आज भोली बहन समझ नहीं पाई बंधु, और क्या हुआ है? अरे बात सुनी जब भैया की, अरे बात सुनी जब भैया की, अब याद आए गई मैया की, अरे याद आए गई मैया की, अरे देखो भ्रात को प्यारे बहन, देखी मन में गए हरसाई है, अरे देखी भ्रात को प्यारो बहन, देखे मन में गए हरसाई है, मैं भी चलो कह समझ आई है। Oh!
प्रकार से भोली बहन को आज समझाता है और कहने लगा तू काय को व्याकुल है रही है, घबरावे मत, तमाम धोबी है, अरे यार दाग के पीछे तू व्याकुल है रही है, चल कल धोबी पे धुलवा देंगे। आज बंधु बहन उठ के चली है, हाँ एकदम से उस हत्यारे ने छुरी को हाथ में ले लिया और कहा ए बहन लौट के देख अब तू मरने को तैयार हो जा, क्योंकि हम तेरी भावस से कॉल करके आए हैं। आज एकदम से श्यामा ने जो देखा है बंधु तो कांपने लगी, आंखों में आंसू भर के बोली भैया भैया ओ भैया ठहरो भैया मुझे मारो ना भैया। अरे छुरी देखी के हाथ बिरन की, अरे बेल गई रे घबराइए, अरे भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे मारो ना मेरे बिरन, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम मुझे बातों में बहलाओगे, लेकिन भैया माफ कर दो मेरे वीर। चोरी देख के हाथ बिरन की बहना गई घबराई, भैया भैया कै बेना धरनी पे गिरी भेराई, ओ भैया ओ भैया भैया। आज बंधु उस कमीन नीच ने बहन के पेट में छुरा को भोंक दिया है, आज लड़खड़ाती हुई वो बहन जमी पर गिर पड़ी है, बोले भैया भैया ओ भैया तूने ये क्या किया। हाथ जोड़ के श्यामा बोली अरे ननन नीरा बहाई है, अरे कैसी कुमती कमाई तुमने हम बुलाए लिवाई है, भैया भैया ओ भैया तुमने ये क्या किया मेरे वीर। अरे मैया बाप स्वर्ग गई जब तुमने गोद खिलाई रही, भैया कितना प्रेम करती थी तुम मुझसे, आज तुमने इतना निर्मोही होकर के मुझे मार दिया, वो दिन याद करो भैया। मैया पापा स्वर्ग गए जब अरे तुमने गोद खिलाई री, लड़ लड़ायो तुमने भैया शादी नहीं करवाई री, अरे चूड़ी बेच के तो बिना तेरा राखी बांधन आई री, भैया मेरे पास एक पैसा भी न था, मैया की मुंह पे एक चूड़ी थी बहू मैंने बेच करके तेली राखी लाई, भैया भैया तूने राखी भी नहीं मुझसे बंधवाई, आज तूने मेरा कत्ल कर दिया, भैया क्या तुमने सोचा था मेरा तरस नेकन किया, अरे भावज की टेक निभाई रे, काए को मारो ने जो बहना को अरे तुमने धरी ने ठुराई रे, पापी ने कुछ नहीं सुना है, अंधा हो जाता है वो तो आज घरवाली की बातों में। मेरे प्रिय श्रोता हो अपनी माँ जाई बहन के पेट में छुरी को भोंक देता है, आज वो बहन श्यामा धरती पे पड़ी है और अपने भैया से अर्ज कर रही है, भैया रोए रोए के बिना बोली
अब सुन लो बचन हमार, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। ओ भैया तू कितना निर्मोही हो गया रे, आज भाभी के कहने से तूने मुख मार दिया। भैया ये तुमने क्या सोची रे, रोए रोए के बिना बोली सुन लो बचन हमारी, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। भैया अब राखी बांधन भ्रात तेरी बेना आई, राखी बांधन भ्रात तेरी बेना आई, ओ दया तन गल करी धरी तूने निठुराई। भैया दया तन गल करी धरी तूने निठुराई। भैया अब ऐसा खोट कहा हम कीनो, दकली ने प्राण निकारी, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। रोए रोए के बिना बोली और सुन ले बचन हमारी, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। ओ भैया भैया तूने ये क्या सोची मेरे वीर, मैं तेरे घर राखी बांधने आई थी भैया, लेकिन आज तूने मुझे मार दिया। अब निज बहना को भूल कहा मन में आई ही, ओ निज बहना को भूल कहा मन में आई ही, और प्यार में भाभी के तूने भैया, और प्यार में भाभी के तूने में बिसराई ही। अब एक चूनर के पीछे तूने भैया, एक चूनर के पीछे तूने अब मारी कंठ कटार, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। रोए रोए के बिना बोली और सुन ले बचन हमारी, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार ही। अरे भैया निर्दयी क्या मिल गया तुझे आज मुझे मार के, अब जा रही तेरी बहन सुनो मेरी भाई, जा रही तेरी बहन सुनो मेरी भाई। ओ भैया अब रुकी रुकी आब एहसास कंठ को भरी आई, ए रुकी रुकी आब एहसास कंठ अब भरी आई। अरे माता होती कंठ लगाती दग बाबुल करते प्यार, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार, भाभी के पीछे भूलो भाई बहनी को प्यार। आज मेरे प्रिय श्रोता हो इस प्रकार से वह दुखित होने लगी है, रो रो करके आज अपने भैया से विनय कर रही है, और क्या होता भैया, अरे भैया
अरे बुरा करो है तेरा बुरा होगा भाई, बुरा करो है तेरा बुरा होगा भाई, निजी हाथन से मार दई तूने मा जाई, ओ जिन्हें हाथन ती मार दई तूने मा जाई। भैया अब जाके बीचे बहना मारी और बहना होए तुम्हारी, भाभी के पीछे घूमा भाई बहनी को प्यारी, रोए रोए के बहना बोली ओ सुन ले बचन हमारी, भाभी के पीछे घूमा रोता हो। इस प्रकार से बहना रो रो करके आज अपने भैया से विनय करती और राम राम कह करके आज वो मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, वहां से दुष्ट चला है अपनी बहन को मार करके, तो इधर में देखिए जब अपने घर पहुंचा है तो उसके घर में आग लग जाती है और उसकी जो घर वाली थी हाय हाय किसी दूसरे अपने यार से फंसी हुई थी और उसके साथ में वो भाग जाती है। अब तो बंधु वो कैसे कहते हैं कि धोबी को कुत्ता न गेल को न घाटक, अब तो कहूं को न रहो और सबरे लोग आज उसको ताना देने लगे, अरे कमीने अरे नीच अरे हत्यारे तू इसकी बातों में आ गया और बातों में आकर के तूने आज मां जाई बहन का कत्ल कर दिया। तो आज बंधु रोने लगा है, क्या दशा है भैया। अरे कर कर खाला निज बहला की, अरे बहुत रहो घबराई रे, ये विधाता ये मैंने क्या किया। अरे कर कर खाला निज बहला की, अब भारी रुधन मचाई थी फसल नारी की।